जनपद इटावा थाना चौबिया पुलिस ने मात्र 12 घंटे के अंदर हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक मुख्य अभियुक्त को किया गिरफ्तार। कब्जे से लाइसेंसी राइफल व 2 जिंदा व 1 खोखा कारतूस किया बरामद। एसएसपी इटावा के निर्देशन में थाना चौबिया पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही। यूपी ब्रेकिंग न्यूज से शिवा वर्मा की रिपोर्ट। चौबिया थाना के रामपुरा गांव में एक गोलीकांड हुआ था। चाचा भतीजे में एक बम्बा के किनारे जो जमीन थी उसी को लेकर के धान की रोपाई को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें जो है उदयवीर नाम के व्यक्ति ने राजवीर नामक अपने भतीजे को, लगभग 30 साल जिसकी उम्र थी, उसके को गोली मार दी थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। और इस क्रम में पुलिस को जो टीम लगी हुई थी, थानाध्यक्ष चौबिया, थानाध्यक्ष ऊसराहार और CO सैफई और उनकी CO भरथना तथा SPRA, इसको बहुत ही प्रॉम्प्टली एक्शन करके 24 घंटे के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। बंदूक जो जिससे गोली मारी गई थी वो बरामद कर ली गई, लाइसेंसी बंदूक थी, वो 12 बोर की 2 नाली बंदूक थी, जो आपने देखा उसको बरामद कर लिया गया है। तथा इसमें अभियुक्त को, जो मुख्य अभियुक्त इसको कह सकते हैं, इसको गिरफ्तार किया गया है उदयवीर को। और इसमें एक अभियुक्त जो और उसका सगा भाई है वो अभी अंडर ट्रीटमेंट है SFA मेडिकल कॉलेज में, उसको भी चोटें लगी हुई हैं और उसका इलाज चल रहा है। बाकी इसको गिरफ्तार करके आज नियमानुसार जो 103 BNS है, 109 BNS है, जिसको आप 302 IPC के रूप में जानते थे, उसके तहत गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, जिस वेपन से गोली चली थी वो लाइसेंसी बंदूक थी या? मैंने स्पष्ट कर दिया अभी इससे पहले कि लाइसेंसी बंदूक थी, लाइसेंस को जब्त कर लिया गया है तथा बंदूक को भी बरामद कर लिया गया है, खोखे कारतूस भी बरामद कर लिए गए हैं तथा बंदूक के निरस्तीकरण की भी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।